इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बयान बजे की बात नहीं है ये, महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे सद्दा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहां के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वीर सावरकर जी को भारत रत्न ये लोग क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है, ढोंगी है? ये सोचना चाहिए। वीर सावरकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे। अब राजनीति है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन ना हिंदू महासभा ना वीर सावरकर उनके लिए शिखर पुरुष रहे, उनके आदर्श, उनके आइडल्स अलग रहे थे। लेकिन शिवसेना और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने हमेशा वीर सावरकर, उनके अखंड हिंदुस्तान का विचार, उनका हिंदुत्व का विचार, उनका हमेशा पुरस्कार किया है। मैं इतना ही कहूंगा।